अब कई लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे के लिए स्विच बोर्ड काम करेगा, बच्चा मेरा छोटा है। सपोज कीजिए अगर बच्चा छोटा है, इसको कोई बुखार हो गया, बच्चे को आपके कोई बुखार हो गया या बच्चे को कोई आपको तकलीफ हो गई, तो आप उसके लिए, बच्चे के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकते हैं। प्रॉक्सी चैंटिंग कई समझ में आती है आपको? प्रॉक्सी चैंटिंग यानी कि बच्चा नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं उसके लिए। तो ये भी हम इस तरह से भी हम स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने पहले हमने खुद चैंट किया, डोंट फोकस ऑन द नंबर्स, काउंटिंग पे फोकस नहीं करना। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें ये नहीं करना कि 108 बार बोलना है कि 51 बार बोलना है आपको। कम से कम तो अगर वो वैदिक स्विच वर्ड है तो यू शुड चैंट 108 टाइम्स मैक्स मिनिमम। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि कहते हैं कि एक माला ले लीजिए, माला को ऐसे करके बीट्स को चैंट करते रहिए आप, फहराते रहिए, या फिर आप उसको घड़ी की तरफ मत देखिए, मत उसको कुछ कीजिए। आपको पता है कि आप 2-4 मिनट तो आप कर ही लेंगे, तो इतने देर तक तो आप कर ही लीजिए। वैसे अगर इटालियन है तो 51 टाइम्स बोला गया है, और अगर वो वैदिक है तो 108 टाइम्स बोला गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं मनी रिकवरी। कई लोगों को पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा कम हो रहा है, हेल्थ नहीं आ है, मतलब पैसों को लेकर पैसा फंस गया है। ये देखिए इसकी जो शेप है ना, ये अमीबा वाली शेप है ना, जैसे हम बायोलॉजी में करते थे। तो रश ऑन काउंट नाउ डन, इसके बीच में जो येलो कलर का पार्ट है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे इसके अंदर अपना, ठीक है जी। तो ये मनी रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। अब जैसे कि सपोज कीजिए, ये देखिए कि मैंने क्या किया है, क्लाइंट्स के लिए बना रखा है। ये देखिए इसको लैमिनेट करवाकर क्लाइंट्स के लिए बना रखा है। ऐसे ही आप अपने क्लाइंट्स को भी ये सब चीजें दे सकते हो। जैसे कि स्टॉप डिवोर्स यंत्र, ये स्टॉप डिवोर्स का यंत्र है, यानी कि कोई चाहता ना मुझे डिवोर्स ना मिले, उसके लिए यंत्र है। तो उसके लिए कैसे काम करेगा, उसकी पॉकेट में रखवा देंगे। पति डिवोर्स नहीं दे पाएगा, पत्नी डिवोर्स नहीं दे पाएगी जब तक ये रखेगा। और इसके ऊपर इसका कुछ, इसके उस साथ में कुछ हम चैंटिंग भी करेंगे, कुंडली भी देखेंगे, ये सब चीजें के साथ में, ये सारी चीजें जो है ना, लाइफ सपोर्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि आप अगर आप कूदने के लिए निकल गए हैं, अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, अगर आप सपोज कीजिए स्विमिंग के लिए निकल गए हैं, अब आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है, ठीक है, लाइफ जैकेट नहीं है, स्विमिंग आपने करनी शुरू कर दी है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि अगर आपके पास लाइफ जैकेट होगी तो आप बच जाएंगे। सपोज कीजिए कि पानी में डूब रहे हैं तो आप बच जाएंगे ना, सुन रहे हैं आप मेरी बात को, आप बच जाएंगे, यस मैम, यस है ना, है ना। तो क्या कहते हैं कि ऐसे ही अगर आप सपोर्टिंग सिस्टम अगर आप क्लाइंट्स को देंगे तो क्लाइंट्स भी खुश होंगे, और वो फिर आपको जो है आपकी प्रेज भी करेंगे, भाई मैम ने तो ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ठीक है। अब आप लेकिन फिर भी क्लाइंट को कितना भी कुछ दे दो, क्लाइंट ने आपकी कंप्लेंट करनी करनी है, ठीक है, ये भी एक चीज होती है। तो आप जो है ना, देखो अब क्या होता है कि कहते कई कई जो है ना, कई लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे अब हमने क्या किया कि अगर हमारे से कोई अपॉइंटमेंट ले रहे तो हम उसको डीसी नंबर भी दे रहे हैं, उसका मूलांग नंबर, भाग्यांग नंबर, उसके लकी नंबर, अनलकी नंबर, उसके जो है गाड़ी का नंबर, ये नंबर वो नंबर, सब उसकी एक फाइल बना के दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक पीडीएफ फाइल भी दे देते हैं कि उसको जो है ना, ये आपको ये उपाय करने हैं। फिर उसके बाद एक स्विचवर्ड की फाइल भी दे देते हैं, भैया तुम ये सबको, आजकल मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो हाँ भाई उसकी ये प्रॉब्लम थी, सुन ली, फिर उसको एक स्विचवर्ड की फाइल भी दे दी। अब वो कहीं और से भी अपॉइंटमेंट ले रहा है, सपोज कीजिए वहां से उसको कुछ नहीं मिल रहा, सपोज कीजिए आप, उसने कहीं और पर भी अपॉइंटमेंट ली है, क्लाइंट ने, उसको वहां से कुछ नहीं मिला, बल्कि जिसने उसकी अपॉइंटमेंट ली उसको उपाय भी मुंह जबानी लिखवा दिए। सुन रहे हैं आप, उसने, आप भी बहुत लोगों से अपॉइंटमेंट लेते होंगे, हाँ जी, उसके बाद आपको मुंह जबानी उपाय लिखवा देंगे, मैडम ये आपने अंधों को खाना खिला दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो ये आप कितना अच्छा आप वो कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये आप, मैं आपको ट्रिक्स बता सकती हूँ कि ऐसे आने वाले टाइम में और भी ट्रिक्स मैं आपको बताती रहूंगी। तो इसलिए जो है ना, आप हर किसी को सेटिस्फाई तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि ज्यादातर लोगों को सेटिस्फाई करें,
ये आ गया हमारा स्विच वर्ड, दिस इज द इटालियन स्विच वर्ड एमरगो, 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 ठीक है जी। यूज फॉर एंजाइटी डिप्रेशन एंड हेल्प्स एंड रिलीव्स। एंजाइटी डिप्रेशन, टेंशन डिप्रेशन, एंजाइटी, हेल्थ रिलेटेड किसी को भी प्रॉब्लम है तो यू हैव टू चैंट एमरगो, 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 एमरगो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक स्विचवर्ड दिया था, उसका नाम था जो है वजैरो, 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 लेकिन वो कमर वमर दर्द के लिए था, कमर दर्द के लिए, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, घुटनों में टांगों में दर्दों के लिए। और एक 58 नंबर भी मैंने पॉडकास्ट में दिया था, किस किस को पता है? मुझे पता है मैं, मुझे हाँ भी जी, पता है मैम, मैंने मैंने यूज भी किया दिया था, यूज किया। आपको फर्क पड़ा 58 नंबर से? बहुत यस ज्यादा, यस मैम, मैम, मुझे मतलब बहुत ना पड़ा मैम। ओवरनाइट में। हाँ जी, हाँ जी, मैम मैम चलिए। मेरे फादर इन लॉ ने यूज किया फादर इन लॉ ने यूज किया, अच्छा जी, तो उनको मैम, फर्क मेरी पड़ा? मम्मी ने मेरी भी, मम्मी पापा ने ने भी भी, यूज उनके किया, उन्हें भी बहुत फर्क बहुत खुश है वो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेंशन वाला। तो ऐसे वाले बहुत सारे स्विच वर्ड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, आप टेंशन ना करें। तो ये एमर्गो जो है ये आपके लिए क्या काम करेगा, रामबाण काम करेगा। किसके लिए? दिस इज द इटालियन, दिस इज द इटालियन। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कि हाउ मच वर्क विल बी डन इन द स्विच वर्ड क्लास में, कितना सारा सामान जो है वो मिलने वाला है। ऐसे हजारों स्विच वर्ड्स होंगे, ऐसे हजारों होंगे एमर्गो की तरह, ठीक है। अमरगो, 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 दिस इज फॉर एंजाइटी। किसी को घबराहट हो रही है, अब एकदम से घबराहट होने लग गई, तो वो क्या करेगा कि एक गिलास पानी लेगा और 51 बार बोलेगा अमरगो, 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 और पी लेगा, ठीक है। तो तुरंत उसको जो है इंस्टेंट रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो है, अब जो हम आ गए हैं, आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए, लक्ष्मी यंत्र टू इंक्रीज सेल्स। अब इसका हम, मैं आपको एक वो दे दूंगी पीडीएफ बनाकर, जब दूंगी आपको तो आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये देखिए, ये ला हाँ शा मा ई, हाँ लक्ष्मी बता ई, मोबाइल ये उल्टे भी बने हुए हैं, उल्टे भी बने हुए हैं। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मेरे बहुत, जो मेरे गुरुजी थे, मतलब अब तो खैर वो नहीं है, तो वो उन्होंने मुझे ये कॉम्बिनेशन मेरे को भोजपत्र पे लिख कर दिया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये उल्टे उल्टे क्यों बने हुए, तो उन्होंने कहा ना गेम तो सारी इसी के अंदर है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये गेम समझ में आ जाए तो बस सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये आपने जो है ना, क्या कहते हैं कि इसमें देखो, ला के बाद ये यहाँ पर ला है, यहाँ पर एक ला है, यहाँ पर एक उल्टा ला है, यहाँ पर मा, यहाँ पर उल्टा मा है, ये ई और ई बिल्कुल सेम है, श्रा यहाँ पर उल्टा श्रा है। जैसे मिरर की इमेजेस नहीं होती है, मिरर में जब रिफ्लेक्टिंग मिरर करते हैं तो मिरर की इमेजेस जो है वो होती है, वैसे ही ये यंत्र जो है, ये प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज सेल्स लाने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। ऐसे बहुत सारे यंत्र मिलेंगे कोर्स में। पहले हमने क्या सोचा था कि यंत्रोलॉजी को अलग करेंगे, यंत्र वालों को अलग करेंगे, वैदिक स्विचवर्ड को अलग करेंगे और इटालियन स्विचवर्ड की अलग क्लास लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ बीच में इकट्ठा देंगे तो ज्यादा लोगों के पैसे भी खर्च नहीं होंगे और सारी चीजें उनको मिलेंगी, चाहे फिर वो मनी से रिलेटेड रिचुअल्स ही क्यों ना हो, ठीक है जी। ठीक मैम, है इस जी, यंत्र को कैसे यूज करना है, इस कैसे यंत्र यूज को, करना है? किस इस यंत्र को तरह से यूज करना सपोज कीजिए आपका लैपटॉप है, अपने लैपटॉप पे चिपका लीजिए उसको यंत्र यंत्र को, आप इसको क्या कहते हैं अपने मंदिर में रख दीजिए, आप इसको भोजपत्र पर लिखकर इसको अभिमंत्रित करके अपने पास रख लीजिए। जैसे जैसे कि मैंने वीडियोस आती है उसमें कहती हूँ सर्वार्थ सिद्धि योग है, आज ये योग है, आज वो योग है, आज ये है, तो उसमें रवि पुष्य योग है या कोई गुरु पुष्य योग है, तो उस टाइम पीरियड पे, वो जो टाइम पीरियड होता है 6 से 7 का, उसमें लिख लीजिए, उसमें धूप दीप जलाइए, उसमें जो है ना 108 बार किसी अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, अपने गुरुओं का नाम लीजिए, तो वो उसके बाद वो अभिमंत्रित हो जाता है। एक और ये इंग्लिश स्विच वर्ड है, ठीक है, फॉर स्ट्रेस इन लाइफ, फॉर स्ट्रेस इन लाइफ, कवर रीच ओवर। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आपने बोलना है कवर रीच ओवर, कवर रीच ओवर, कवर रीच ओवर। इसको आप जो है 51 टाइम्स बोलो या आप
अनलिमिटेड टाइम्स जितनी मर्जी बार बोलो, कवर रीच ओवर, एक बार आप इसको बोल के देखो कितनी जल्दी आप स्ट्रेस फ्री होते हो, आप खुद हैरान हो जाओ। कवर रीच ओवर, ये सारे आपने स्विच वर्ड जो है ये आपने बोलने, ठीक है जी। तो ये हम अब साथ में सीखेंगे और जो है ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, हर एक उस चीज के, हर एक चीज के मिलेंगे, जैसे कि मनी के, हेल्थ के। और ये भी नहीं कि फिर हेल्थ के आपको सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश वाले मिलेंगे, वैदिक वाले भी मिलेंगे, इटालियन में मिलेंगे, ठीक है, फोक शायर्स भी मिलेंगे, ठीक है जी। कैसी लगी आपको क्लास आज की? क्योंकि क्या होता है कि दिस इज द ओनली अ ट्रायल क्लास, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ठीक है नी, पिक्चर अभी बाकी है। तो जो लोग भी अब जो है इनरोल करना चाहते हैं वो लोग इनरोल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग करें, क्योंकि एक बार ही बैच होगा तो सभी लोग करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।